नमस्कार दोस्तों, मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नैन डायरी फार्म पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों तक पहुंच सके। तो जैसे कि दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार मुर्रा नस्ल की भैंस की वीडियो आप सभी भाइयों के लिए लेके आए हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक बहुत ही शानदार और बिल्कुल टॉप क्वालिटी और बहुत ही अच्छी मिल्क लाइन की भैंस, जैसा कि आप वीडियो पे देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार और बिल्कुल प्योर मुर्रा क्वालिटी में बहुत ही बिल्कुल एक शानदार भैंस, बहुत ही ठंडे और शांत स्वभाव की, जैसा कि आप सभी को पता है। तो जो आज आप सामने देख पा रहे हो, हम अभी आपके लिए वीडियो कवर करने के लिए जा रहे हैं कि जो अपने गाँव से कवर कर रहे हैं, तो भैंस की एक एक डिटेल और भाई साहब का एड्रेस है जो भाई साहब से कन्फर्म कराएंगे और भैंस की डिटेल भी लेंगे। तो नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी, काला नैन तेरे सभी दर्शकों को आज जोड़कर राम राम भाई। राम राम भाई साहब। तो सबसे पहले अपना नाम और एड्रेस कन्फर्म कराएं भाई जी। अपना नाम है जी बंटू नैन, गांव दमताना साहिब, जिला जींद, तहसील नरवाना। तो ये देखिए, जो भाई साहब का नाम है बंटू दमताना, यानी गाँव दमताना साहिब, जिला जींद, तहसील नरवाना, जो बिल्कुल नरवाना और टुवाणा के बिल्कुल सेंटर में गांव है दमताना साहिब, जहाँ पे आप सभी को पता है कि हरियाणा का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी अपने ही गांव दमताना साहिब में है। तो भाई साहब, ये जो अपनी आज भैंस है, ये कौन से ब्याह की है? ये चौथे ब्याह की है जी। अभी चौथी बार ब्याहेगी? हाँ, चौथी बार बच्चा देगी। चौथी बार बच्चा देगी। तो ये देखिए, जो जो भैंस है आप देख पाओगे बहुत ही शानदार, अभी चौथे ब्याह में बच्चे को जन्म देगी। तो इस भैंस की क्या डिटेल है भाई साहब, चौथे ब्यांत में ब्याएगी? और इस भैंस ने जी दूसरे ब्यांत में 22 किलो दूध दिया। और ब्याने के कितने दिन बाकी है भाई साहब? ब्याने के इसके 3-4 दिन बाकी हैं। तो ये देखिए, जो चौथे ब्यांत की भैंस है और 3-4 दिन अभी ब्याने के बाकी है। आप देख पाओगे अडर की क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है। अगर पीछे से कवर करें तो आप देख पाओगे अडर की क्वालिटी बिल्कुल बहुत ही अच्छे अडर की और बहुत ही शानदार, बिल्कुल पीठ की क्वालिटी भी आप देख पाओगे बहुत ही शानदार है। तो इसका जो पिछले ब्यांत में कितना दूध का रिकॉर्ड रहा भाई साहब? इसका 22 किलो 70 ग्राम का रिकॉर्ड है जी। 22 किलो 70 ग्राम? हाँ। कौन से ब्यांत में? दूसरे ब्यांत में। दूसरे ब्यांत में कहीं पर रिकॉर्ड है या वैसे? ना, रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड कहाँ पे? कैथल। कैथल पे कोई वो लेके आए हैं? HLDB में रिकॉर्ड है। हाँ, सर्टिफिकेट भी है इसका। तो आप देख पाओगे चौथे ब्यांत की भैंस है। तो भाई साहब, जैसे कि बता रहे हैं कि चौथे ब्यांत की भैंस है और HLDB की कैथल में इसकी रिकॉर्डिंग है, वहाँ पे दूसरे ब्यांत में इसने मुर्की नंबर लग रहा है इसका। ये देखिए इसका जो मुर्की नंबर आप सभी भाइयों को दिखाएंगे, ये देखिए 1628-7400। तो ये देखिए, जो ये भाई साहब का जो मिल्क रिकॉर्ड का, इसमें भी आपको मुर्की नंबर टैग नंबर कन्फर्म कराएंगे। ये देखिए 1628, आप देख सकते हो 1628-7400 जो इसमें है वो। ये देखिए बफैलो टैग और मेल टैग, जो बफैलो का टैग है हम वो भी लाएंगे। ये देखिए 1628-7400 और भैंस का भी देख सकते हो 1628-7400। अगर इसके मिल्क रिकॉर्ड की बात करें तो ये देखिए
जो कैथल की मिल्किंग रिकॉर्ड है, ये देखिए मिल्क यील्ड कंपटीशन है, सीमन टेस्टेड रिकॉर्ड सीट है, आप देख पाओगे ये देखिए इसका मिल्क रिकॉर्ड रहा जो जहविंदर लाल स्नोप चंद्रवान है, जो भैंस की मिल्किंग हुई है 2 तारीख पहले भी ने 2018 में शाम को 5:45 पे खाली की, खाली करते समय 9.818 किलो और जो खाली होने के बाद पहला दूध निकाला 12 किलो 818 और जो दूसरी चुवाई में 11 किलो 448 और तीसरी चुवाई में 8 किलो 810 और यानी तीनों टाइम का मिला ये तो खाली करने के बाद 33 किलो 116 ग्राम और एक दिन का जो मिल्क यील्ड रहा 22 किलो 77 ग्राम। तो ये देखिए जोटी का जो जोटी का उस टाइम जिस टाइम ये जोटी थी उस टाइम की रिकॉर्डिंग के जो भाई सामने सेफ्टी गेट आपको साथ में दिखाया कैथल का और आप स्क्रीन पे आप ये चौथे ब्यांत में भैंस को भी आप देख सकते हो जो बहुत ही शानदार मिल्क रिकॉर्ड के साथ बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं इसे मिल्क लाइन की भैंस की एक बहुत ही शानदार भैंस कहूँगा, ये किसी आम पशुपालक के घर पे थी या भाई साहब के? नहीं, एक आम पशुपालक के घर थी जी, बिल्कुल एक आम पशुपालक के घर से खरीदी है। हाँ जी हाँ। तो ये देखिए भाई साहब का कहना है कि आम पशुपालक के घर चमड़ी बहुत पतली है, देखिए नजदीक से दिखाइए थोड़ा। तो ये देखिए भाई साहब जैसे कि बता रहे हैं चमड़ी देखेंगे तो कहीं से भी आप ये देखिए पकड़ के देखोगे तो ये देखिए कहीं से भी आप चमड़ी को पकड़ के देख सकते हो, बिल्कुल पतली चमड़ी की है ये देखिए। देखिए भाई साहब ने बताया कि जो ये देखिए बिल्कुल पतली चमड़ी की भैंस आप देख पाओगे, बहुत ही शानदार जो भैंस है और चौथे ब्यांत में भी ब्याने वाली है। तो भाई साहब पिछले बंदे ने मिल्क रिकॉर्ड करवाया तो अगर कोई बताया हो कौन से सीमन से प्रेग्नेंट है ये 14/70/10 से प्रेग्नेंट है जी, 14/70/10। हाँ। तो आप देख पाओगे जो HLDB का बहुत ही नॉमिनेटेड बुल है 14/70/10 उससे प्रेग्नेंट है। अब ये सेल करनी है या घर पर रखना है बेचारा भाई साहब? सेल करनी है जी, ये सेल करनी है। हाँ जी। तो देखिए भाई साहब का जो सेल परचेज का काम है वह सेल करनी है और साइड से अगर अंडर कवर करें तो आप देख पाओगे जो थर्नों का ये देखिए स्पेस बिल्कुल मुठिया कार के थर्न और ये देखिए अंडर की क्वालिटी, ये देखिए मिल्क वैन भी आप देख सकते हो जो बहुत ही बिल्कुल पाइप जैसी मोटी उभरी हुई मिल्क वैन आप देख पाओगे। तो इसका क्या रेट रखे भाई साहब? रेट फोन पे ही हो जाएगा जी, मौके पर मौका पर रेट है। तो ये देखिए अगर भाई साहब कोई कन्फर्म करना चाहे जो अपना सेल परचेज का काम है उसमें कितने से कितने तक की किस रेट तक की भैंस अवेलेबल है? अपना पा जी 60,000-70,000 से लेके 1.5 लाख-2 लाख लग के पशु आवे जी, यानी नॉर्मल हर टाइम अपने पास 10 पशु रहे जी, 10 पशु से 15 पशु की सेल के लिए रहते हैं हर टाइम तैयार है। तो ये देखिए भाई साहब का जो दूसरे ब्यांत की तीसरे ब्यांत की, तो ये देखिए भाई साहब का जो सेल परचेज का काम है और लगभग 60-70,000 से ले गए 1.5 से 2 लाख तक की भैंस का होगा सेल परचेज का काम है। तो एक बार भैंस को चला कर दिखाएं भाई साहब। तो ये देखिए भैंस की क्वालिटी चल के देखेगी तो आप देखोगे तो बहुत ही शानदार क्वालिटी है भैंस की, ये देखिए बहुत ही शानदार चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, पीठ को बूढ़े क्वालिटी आप देख सकते हो। तो ये देखिए अडर बहुत ही शानदार है जो भैंस का, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त अडर की भैंस है बिल्कुल एक जो यानी ना ही बहुत बड़े कद और ना ही छोटे, बिल्कुल एक जो प्योर मुर्रा का करैक्टर साइज है उसी साइज में बिल्कुल पतली चमड़ी और बहुत ही शानदार। साथ में भाई साहब ने जो इसका मिल्क रिकॉर्ड भी दिखाया और साथ में जो सेफ्टी गेट है वो भी कराया है, देख पाओगे बहुत ही शानदार भैंस है मुर्रा की। अगर कोई भी भाई लेने का इच्छुक है तो भाई साहब से कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें भाई जी। 9496-6674-6624। तो ये भाई साहब का कॉन्टैक्ट नंबर है जो वीडियो में साथ ही साथ है स्क्रीन पे भी चला हुआ है। अगर कोई भी हॉस्पिटल में भी कंफर्म करवा देंगे जी किसी का भाई न्यू नहीं। हाँ जी, ओरिजिनल का सारा कुछ सबूत दे देंगे जी। तो ये एक और देखिए भाई साहब ने जो भरोसा वो है बंदे पे, बहुत ही जो भरोसे की बात होती है तो उसी पे भाई साहब ने बताया कि अगर किसी भी भाई को कोई शक रहती है तो जो कैथल के अस्पताल में इसकी रिकॉर्डिंग है वहाँ पर भाई साहब इसका कन्फर्म करा देंगे आप सभी को। आप देख पाओगे भैंस बहुत ही, ये देखिए बिल्कुल ठंडे और शांत स्वभाव की भैंस है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको भैंस कैसी लगी। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।